चाइनीज कंपनीज जिनको कोई बीट नहीं कर सकता उनके प्राइसिंग के अंदर। ऐसा माना जाता है कि इनको कॉम्पीट करना हमारे बस की बात नहीं है, बट क्या ये सही मायने में एथिकली इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत सारडा और अगला केस स्टडी है दोस्तों चाइनीज कंपनीज के बारे में जो कि स्कैम पे स्कैम हमारे सामने इंडिया में आते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो मई के आसपास इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने शाओमी मोबाइल्स पर रेड डाला और रेड में पता चला कि इन्होंने इलीगल तरीके से इंडिया से कैश चाइना में भिजवाया है और इंडिया में ये अपनी कंपनी को लॉसेस में दिखाते हैं और रेड की वजह से $725 मिलियन सीज किए गए शाओमी कंपनी के। बाद में रिसेंटली दोस्तों जून में एक और इंफॉर्मेशन मिलती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को और वो लोग रेड करते हैं फिर वीवो मोबाइल पर, जिसको रेड करने के बाद पता चलता है कि वीवो मोबाइल ने भी इसी तरीके से फ्रॉडुलेंट तरीके से कैश इंडिया के बाहर चाइना में वापस भिजवाया और इंडिया की कंपनी को लॉसेस में दिखाया। इस वजह से दोस्तों इंडिया का कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस होता है, क्या ये बिजनेस करने का सही तरीका है? एक ऐसी कंपनी जिसका इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में 15% का शेयर है, जिसने शिपमेंट ऑफ 5.5 मिलियन हैंडसेट्स किए, ऐसी कंपनी वीवो कंपनी ने भी ये काम किया। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि 23 डिफरेंट कंपनीज फॉर्म किए गए और इन कंपनीज के थ्रू इंडिया से बाहर चाइना में ये पैसा भिजवाया गया। द क्वांटम ऑफ द अमाउंट इज $8 मिलियन। अगर मैं इसे रुपीज में कन्वर्ट करूं तो दोस्तों इसका अमाउंट होता है 62,476 करोड़ रुपीज। ये अमाउंट वीवो कंपनी के टर्नओवर का लगभग 50% अमाउंट है। इतना बड़ा अमाउंट इलीगल तरीके से कैश के तौर पे कंपनीज के थ्रू चाइना में भिजवा देना। वीवो के ऑफिसेस पे जब रेड की गई, बिजनेस प्रीमाइसेस पे रेड की गई, तो पता चला कि 48 अलग अलग प्रीमाइसेस पे ये रेड हुई थी, जिसमें 119 बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व थे जो सीज किए गए थे और उन बैंक अकाउंट में रुपीज 465 करोड़ थे जो कि सीज करके रखे गए। इनके प्रीमाइस पर कैश भी मिला 73 लाख एंड 2 गोल्ड बार मिले 1 kg ईच, दैट इज 2 kg गोल्ड बार। इसके आगे भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक और कंपनी ग्रैंड प्रोस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि JNK में रजिस्टर्ड है, वो अपने आप को वीवो कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी प्रोजेक्ट करती है जो कि इलीगल है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं था। एंड उनका रजिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर में फ्रोज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होता है एंड इसमें इंडिया के कुछ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व होते हैं। तो गाइस, ये कंपनीज भी फ्रॉडुलेंट तरीके से अपने कैश इंडिया से बाहर चाइना में भिजवा रहा है। इस तरीके से चाइना में ये जो पैसा जा रहा है विदाउट टैक्स पेड, पूरा बिजनेस इंडिया में होता है। हम लोग इंडिया में उनको वेलकमिंग नोट पर वेलकम कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, बट ये अगर सही ढंग से अगर हमारा टैक्स का भी पैसा नहीं देंगे तो क्या ये बिजनेस करना सही रहेगा? आफ्टरऑल और कुछ कंपनी ऐसी है दोस्तों जो इंडिया में ऐप के थ्रू शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं और ऐसे टर्म्स पे लोन्स दिए जाते हैं दोस्तों जो कि बहुत ही हार्श टर्म्स होते हैं। क्लाइंट्स को फोन पे कन्विंस किया जाता है, ऐप में बार बार मैसेज आता है कि लोन मिल जाएगा, इंस्टेंटली मिल जाएगा, एंड यस ये पैसा भी चाइनीज कंपनी के थ्रू लोन के तौर पे इंडिया में दिया जा रहा है और इसके जो अमाउंट अर्न की जा रही है ये भी ऑब्वियसली इंडिया के बाहर कैश जा रही है चाइना में। इसका भी अगर क्वांटम निकाला जाए तो $120 मिलियन का क्वांटम है दोस्तों। तो चाइनीज कंपनीज मोर और लेस जो भी इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये इसी तरीके से टैक्स की चोरी करके इंडिया से बाहर पैसा जाएगा सो इट विल बी अ बिग लॉस फॉर इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट आल्सो। सो ओवरऑल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, ऐसे और कंपनीज कौन से जो आप जानते हो जिन्होंने चाइनीज कंपनी रहने के बाद इंडिया में फ्रॉड किया है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे ये बताना दोस्तों कि क्या आपको इसका कोई सॉल्यूशन नजर आता है क्या। मेरे मुताबिक सॉल्यूशन ये रहना चाहिए कि अगर फॉरेन कंपनी कोई इंडिया में रजिस्टर होती है तो उसके डॉक्यूमेंट बहुत अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट हो ताकि फ्रोज डॉक्यूमेंट्स के भरोसे ये कंपनी रजिस्ट्रेशन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इलीगल तरीके से इंडिया में ना जनरेट हो। एंड एट द सेम टाइम इनके कैश फ्लोस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, ऑडिटर्स इनके जो भी रहेंगे उन पर भी ध्यान देना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की जरूरत है यहाँ पर ताकि ये सही ढंग से इंडिया में टैक्स का पेमेंट करे। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच गाइस।